नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के अंदर कहतर बेहतर क्रैक महकमा, जो कि पंजाब का काफ़ी फेमस ग्रुप है, ये ट्रैक्टर टोचन में और अपना हैरो कंपटीशन में इनका काफ़ी नाम है और बहुत अच्छी जगह इन्होंने उपलब्धि प्राप्त कर रखी है। तो आज इनसे बात करवाऊँगा मैं। और ये ट्रैक्टर अपने इनके मेन ये है अपना हैरो के लिए, जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस में, और बाद में दिखाऊँगा अभी और सारी चीज़ें बताऊँगा। चलो इनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई जी। भाई जी, आप सुखविंदर जी, आप अपना नाम पता एड्रेस बताओ। नाम सुखविंदर सिंह है, जो मालूम ही होगा। हाँ जी, वो तो लगभग सबको पता है ऑलमोस्ट। जिला का कोटला है, अपना पिंड बोपर आया ना। अच्छा, बोपर आए पिंड से। हाँ जी, हाँ। अच्छा अच्छा और जैसे आप ये बताओ, आपने ये ट्रैक्टर जो मॉडिफिकेशन जैसे लगाओ भैया हैरो कंपटीशन में, जैसे आपने ट्रैक्टर चलाना, कब से चलाना स्टार्ट किया था आपने ये? स्टार्ट काफ़ी टाइम हो गया सू चलाते रहते हैं। तो कभी जितते नहीं, जब धीरे धीरे भाई, वो तो देखो परमात्मा की कृपा है भाई, आप धीरे धीरे आज इस टाइम पर स्टैंड हो गए। पंजाब में आपका वाक्य में नाम चलता है कहतर बेहतर क्रैक महकमा के नाम से। आपने तो ये नाम कहाँ से ढूंढा, आपने ये चीज़ बताओ थोड़ा, ये नाम कहाँ से ढूंढा, एकदम स्पेशल यूनिक नाम है आपका एकदम। ये नाम जिदा असि पहला दौड़ा जाते होंगे जी, मतलब तवियां का हैरो ना, जो हैरो है। हाँ हाँ, तो बाद च कॉम्पिटिशन चला। हाँ हाँ, पहले हमारे गाँव में ना दौड़ होती थी, अच्छा रेस होती थी। अच्छा अच्छा, रेस के बिच साडे मतलब असि लिखाउण गए पेंटर को, नाम कि लिखाइए ना, साडे पिंड दा मुंडा सीगा अपना भरा ही अपने नाल ही हुंदा पण। हाँ हाँ हाँ, अपना गिंदा भरा नौली तो अपने बाहर चल गया, वो अमेरिका आया भरा अपना, उन्होंने फिर दसा जी अं 71-72 पहला लिखा जी बागी जट। अच्छा, फार्म 60 हुंदा जी उदो। अच्छा, कल्ली रेस लाउंदे हुंदे जी, तो वो लिखिया उत्थे चलिया मतलब ट्रेंड है ना। उस तो बाद अपना फिर तवी आलू होए जदों सद्दे असीं। हाँ हाँ हाँ, उस तो बाद फिर एक मेला रुकवाल सीगा। अच्छा, उत्थे सारे भरावां ने फिर कहा कि बागी जट नहीं सही, मतलब 71-72 क्रैक महकमा रखदे आ फिर वधिया लगूगा ना। अच्छा, जिद्दां रख्या लोकां ने मजाक भी समझिया जां कि मतलब स्टार्टिंग तो, फिर वाहिगुरू की कृपा हुई, मतलब ऐसा वो नाम रख्या सारे भरावां ने रल के, मतलब पूरी बाबे की कृपा नाल चढ़ाई। धीरे धीरे भाई नाम को जैसे आपने ऊपर उठाया, और आज के टाइम में जैसे मुझे जहाँ तक उम्मीद है, भारत में देखोगे तो दो ही तीन ट्रैक्टर हैं जो अपने दो तीन एक दो ग्रुप हैं उन्हीं के नाम चलते हैं पूरे भारत में ही। आपने अभी आपके पास अपने ग्रुप में टोटल कितने ट्रैक्टर हैं? जैसे टोचन में भी आप चलाते हो, हैरो कंपटीशन में भी आप चलाते हो, लगभग जैसे आपके पास ग्रुप में ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर अटैच में रहते हैं, वैसे ग्रुप तो आपका बहुत बड़ा है मैंने देखा है, फिर भी जो मेन मेन होते हैं जिनको आप जैसे कह देते हो भाई ठीक है इनको हम मेन मेन गिनवा देते हैं, जैसे ऊपर के टॉप 5 बता दो आप। नहीं, मेन तो साढ़े सारे मेन ही है, चलो जिन्हें हाँ, हाँ। जुड़े सारे मेन ही है। तो टोचन आप लाते होंगे ही। हाँ हाँ, आप इन्नी नॉलेज नहीं है अपने, परम भाजी अपने। अच्छा हाँ, परम जी है टोचना तो यही आप स्टार्ट हो भरा ना जुड़े हैं, चलो है ना, वही लिंक है वाइया भरावान वाली गल है, कोई ऐसी गल नहीं। ट्रैक्टर तो वाहगुरु की चलो कृपा इन्नी है, बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो अपना ही है बैकग्राउंड में जाते। परम भाई जी का भी देखा, जैसे हमने कारनामा देखा था एक बार, वो ट्रैक्टर का बहुत बड़ा घटना दुर्घटना हो गई थी वो। परम भाई जी आप बताओ थोड़ा सा, जैसे आपने भी कहाँ से सफर स्टार्ट किया, और अपना सुखविंदर भाई साहब के साथ आपने कहाँ से कब से जुड़े हो आप इनके साथ? सफर तो बहुत देर से स्टार्ट किया हुआ, इदा ही कम बस ऐसा शर्तां शुरतां ला के पहला पाँदे होंगे। हाँ हाँ, पहले मेले मूले तो होंगे नहीं, फिर हौली हौली मेले होने लग गए टोचना के, फिर उस बाद पाँव लग गए ये तवियां से पाँदे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, टोचना से पाँना फिर इन्हों वाले भी नाल रल के ट्रैक्टर फिर कट्ठे होकर टोचना से पाँव लग गए। अच्छा अच्छा, थले पाँदे एक साथ में फिर धीरे धीरे कट्ठे ही। आपने जो आपका जो हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था उसमें, जैसे वो तो देखो गलत था, वैसे तो बहुत गलत था भाई, गलती क्या रह गई थी उसमें? गलती कोई नहीं थी, होकदियाँ पिन्ना तीन पाई हुई थी। अच्छा, देसी थी या पता नहीं की, मान लीए भी पिन्ना की कमजोरी थी, पिन्ना टुट गई हेठ वाली। अच्छा अच्छा, पिन्ना टुटने हुक घूम गई, हुक घूमने ट्रैक्टर पलट गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो वो तो भगवान की दया थी भाई, जो कि आप सेफ निकल गए भाई, कुछ भी कहो, ये तो आपकी नेक नीयत थी भाई, नीयत आपकी अच्छी थी इसलिए साहब सब कुछ बच गया। चलो बढ़िया, वैसे देखा आपकी काफ़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी है भाई, टाइम टू टाइम सेकंडों में जैसे जो चेंज डिसीजन लेना और बदलना, ये मैंने खुद आपके टोचन कंपनी को रियलाइज़ किया भाई, एक नॉलेज वाला बंदा कर सकता है ये चीज़ें।
आपने काफ़ी जैसे काफ़ी नाम आगे बढ़ाया भाई, क्रैक महकमा कहतर बेहतर क्रैक महकमा जैसे आपने, और काफ़ी मेहनत कर रखी है। और जैसे कोई भाई अगर ट्रैक्टर तैयार करना चाह रहा है तो उसको आप क्या संदेश देना चाहोगे भाई इसके बारे में? भाई आप यही कहना चाहते हैं जे तो मतलब चलो शौक हों हरेक बंद होंगे हाँ जो अपनी पहुँच हैगी आप ये काम करना चाहिए है ना। बिल्कुल जे नहीं की फिर नहीं करना चाहिए ना, अपना देखना चाहिए पहले नंबर से। बिल्कुल बिल्कुल शौक है जो शौक कुछ नहीं है बाकी हाँ ये बात सही कर कई बंद भुलेखा जहा शायद ना जानते करे नाम जित के पता नहीं किन्ना पैसा कमा लेंगे पर मतलब इतने दुगने लगते ही मतलब कमाने वाला तो सीन है नहीं ना, कमाने का नहीं बस अपना शौक का है मेन तो भाई। कमाने के लिए अगर कोई सोच रहा है इसमें तो मतलब भूल जाओ, क्योंकि देखो कंपटीशन में नाम कितना आपके वहाँ तो 50,000 रुपये हो जाता है भाई, मोटरसाइकिल हो जाती है 50,000 एवरेज लगा लो, पर कंपटीशन से खर्चा कितना लग जाता है एक कंपटीशन आप जाते हो भाई। तुम उसे मोहाली आए थे ना मेला हाँ हाँ बिल्कुल लग जाता है जी बिल्कुल नहीं ये तो मैंने देखा जी कम से कम 20 बंदे तो कम से कम चाहिए, वेट उतारना है डालना है और साथ में ट्रैक्टर साथ में तैयारी करनी है, बहुत कुछ काम हो जाता है छोटे एक दिन का काम नहीं ना कि आज आ गया तो चलो चक के पास से टोचन देना हफ्ता हो गया मतलब हफ्ते तो तैयारी बंदे काम लगन सही सीन पैंदा। बिल्कुल बिल्कुल वैसे तो लगनगे फिर कड़ा घर रह हुंदा ना तो सारा कुछ रोटी भी होंदी है तुहानू पता ही है फिर नहीं वो तो फिर मैंने देखा भाई मेहनत भी बहुत ज्यादा है खर्चा भी बहुत ज्यादा है फिर टूट फूट भी है साथ के साथ में और सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं फिर अगले कंपटीशन के। अब एक और सबसे बड़ी बात है आज यहाँ पे है अगले दिन फिर जाना है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा है और जैसे आपके ग्रुप में खाने पीने का भी खर्चा है, बंदे बहुत सारे आने जाने का भी खर्चा है, तो मतलब कुल मिला के ये तो सिर्फ एक शौक की बात है, कमाने का कोई रीज़न नहीं इसमें, कमाने का कोई साधन नहीं है, मैं वही मूंछ की लड़ाई है और कुछ नहीं है। चलो जी बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके भाई। अभी मैं आपके जैसे ये ट्रैक्टर के बारे में बताओ, आपने जैसे मॉडिफाई कर रखे हैं पूरे प्रॉपर ट्रैक्टर, कंपटीशन में आप ऐसे चलाते हो या फिर इनको कंपटीशन के लिए अलग से तैयार करते हो? नहीं कंपटीशन जो थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। अच्छा अच्छा टायर वगैरह चेंज हो जाते हैं सर? टायर वगैरह बाकी सेटिंग बड़ी मोटी कर दी है। हां हां चेंज करके चलाई जाता है। अभी जैसे आप तो किसान आंदोलन में आए हो यहां पर सिंघू बॉर्डर पे, तो किसान आंदोलन में आप क्या कहना चाहोगे सरकार को और अपनी हमारे अपने देश की जनता को क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? बस यही जड़े भरा अपने पिछे आ नहीं आ सके चलो लांता लूत वाली जी गल कोई गल नहीं भरावान हाथ जोड़ के बेनती है कि पहुंचो अपने सहयोग रहो इतने है ना। बिल्कुल आने तो अपना फेही गांह सारा कुछ हल होना है ना। बिल्कुल उन्होंने भी पता लगे कट है ना। यही कहना चाहना भरा जो पिंड बैठे हैं ना उन्होंने मतलब आने इतने वधिया संघर्ष अपना चल रहा है ना वधिया गल है सारे आने सपोर्ट कर बराबरी। बिल्कुल जी बिल्कुल देखो किसान एकता मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, सबसे बड़ी बात किसान एकता ही है जी। बिल्कुल हाँ जी जी नहीं वो तो है जी, पर देखो किसानों का और सबसे बड़ी बात फार्मर नहीं है तो फिर जीवन भी नहीं है, क्योंकि हम तो भूखे ही मर जाएंगे और सबसे पहला आदमी का धर्म ही पेट की भूख है, कोई भी जानवर है कोई भी लगाओ सब हर जगह पेट सबसे पहली चीज है और ये सरकार हमारे पेट को ही काट रही है सबसे पहली बात तो भाई, हमें जैसे सड़कों पे खड़ा कर दिया आज इतना सब कुछ। चलो जी सुखविंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद, किसान एकता जिंदाबाद। चलो जी अभी मैं ट्रैक्टर दिखाता हूँ अपने क्रैक महकमा के, अपने कहतर बेहतर क्रैक महकमा ट्रैक्टर हैं ये, इन्होंने काफ़ी अच्छे मॉडिफाई किए हुए हैं फिलहाल ये ट्रैक्टर जो यहाँ पे आए हुए हैं सिंघू बॉर्डर पे, ये ट्रैक्टर इन्होंने अपनी जैसे बाय रोड चल के आए हैं, ये कंपटीशन के लिए तैयार नहीं है, ये इन्होंने अपना प्रॉपर अपने तरीके से हिसाब से मॉडिफाई कर रखे हैं जो घर पर रूटीन में चलाते हैं, तो इस ट्रैक्टर के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। जैसे भाई बम्पर देखो काफ़ी बड़ा बम्पर लगाया है स्टाइलिस्ट बम्पर के साथ में, आगे अपना गुरु जी का झंडा और टायर, कितना चौड़ा टायर होगा दोस्त ये? 2 फुट 24 इंची 2 फुट चौड़ा 2 फुट चौड़ा ही में टायर और यो स्पेसर वगैरह लगा के प्रॉपर वो है अपना ट्रैक्टर में जैसे मॉडिफाई करवाने में आपने कितना खर्चा लगा दिया होगा इसमें लगभग लगभग? सुखेंद्र भाई जी एक बार ये बताओ जैसे आपने ट्रैक्टर मॉडिफाई करवा रखा जैसा भी फिलहाल जो ये अपना यहाँ आप इसमें कितना खर्चा लग गया होगा आपका ट्रैक्टर का? सारे दे तो भाई यार काफी पैसे लगी जाते थोड़ी थोड़ी जिदा ना हाँ हाँ 15-20 दी रेंज लग ही गया वैसे लगता बहुत गया चलो जे अही कहे जिदा देखने वाला कहना खरे फुकरियां मार देना है हाँ हाँ 15-20 रखो इन्ना का लग गया मतलब उदा लगे तो इतों भी ज्यादा है मतलब इन्ना का रेंज तो अपना पूरी फुल लगे है ना जो भी ठीक 15-20 लाख रुपये
बहुत ज्यादा हो जाता है जी। वो शौक क्या क्या फिर पैसा नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही कर, सही कर आप ये बात भाई। ये था अपना करैक्टर कैतर वैतर क्रैक महकमा, ये रहा ट्रैक्टर अपना एक, इनका ये अपना ट्रैक्टर है जो हैरो कंपटीशन में चलता है, चार सिलेंडर इंजन के साथ में आता है ये, डबल रेडिएटर लगा रखा है, काफ़ी बड़ा इंटरकूलर लगा रखा है आगे, इंटरकूलर डबल रेडिएटर और अपना शो वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से। ये अपना 420/85 R28 रेडियल टायर के साथ में, ये अपना सिलेंडर वगैरह, हाँ सारे कहतर बेहतर के ट्रैक्टर हैं। अपने पीछे वो खड़ा है वो अपना महिंद्रा, वो भी इनका ही अपना खुद का है, और साथ में ट्रॉली भी लेकर आए हैं एक, ये काफ़ी बड़ी ट्रॉली है जिसमें तीन ट्रैक्टर एक साथ में लोड हो सकते हैं, और इनके अंदर इन्होंने अपना सोने का प्रॉपर खाने का पीने का सब इसके अंदर अपना प्रोग्राम है इनका, चार्जिंग वगैरह। ये अपना अलॉय व्हील काफ़ी अच्छा एकदम बढ़िया मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और काफ़ी सपोर्ट मिल रही है अपना किसानों को, और मैं भी यही कहूँगा भाई सपोर्ट करो किसानों को। ये है भाई पूरा बाहर से दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये अपना कहतर बेहतर ये ऊपर फ्लैग लगा हुआ अपना, ये चल रहे हैं साथ में, ये साइलेंसर वगैरह देखो साइड में निकले हुए सब कुछ, इधर से देखोगे एयर क्लीनर वगैरह सब मस्त चीज़ तैयार कर रखी है वक्के में, जैसा कि ये भी अपना एक और 71 के साथ में, ये आप देख सकते हो स्टार्टिंग में एक ट्रैक्टर इनके पास फिलहाल, ये अपना जैसे तो डिजाइनिंग में लगाए हुए हैं तीन ट्रैक्टर लगाए हुए हैं अपने ये तीनों भाई। जैसी भी वीडियो लगे आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।